किसान इतिहाद का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज खूनी शक्ल अख्तियार कर गया। फाइनेंस सेक्रेटरी विहाड़ी मलिक इशफाक लंगड़ियाल की मुबैना तौर पर वाटर कैनन के केमिकल मिले पानी से हलाकत ने कारकुनान में मजीद गम और गुस्से की लहर पैदा कर दी। डॉक्टर्स की जानिब से मौत की वजह दिल का दौरा करार दे दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं सीनियर सहाफी नादिर चौधरी से। जी नादिर चौधरी, कौम को अनाज फराहम करने वाले किसानों का एहतजाजी धरने में एक किसान लीडर की मौत का मामला, हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दो रोज़ से किसान इत्तेहाद का मुतालबात के हक में जारी एहतजाजी मुजाहरा मजीद शिद्दत अख्तियार कर चुका है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की जानिब से मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन के मद से पानी फेंका गया, लाठीचार्ज किया गया और गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई, जिसके बाद कोटलखपत जेल में 87 जबकि कैंप जेल में 70 किसान इत्तेहाद के वर्कर्स को बंद कर दिया गया। ताहम इस हंगामी सूरत हाल के दौरान फाइनेंस सेक्रेटरी विहाड़ी मलिक इशफाक लंगड़ियाल की हालत तश्वीशनाक होगी, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो जिंदगी मलिक इशफाक लंगड़ियाल की मौत के मुतालिक एमएस जिला अस्पताल की जाने से जारी करदा बयान के मुताबिक उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा, जिससे उनकी हरकतें कल बंद हो गई, जिस पर डॉक्टर्स की जाने से मलिक इशफाक लंगड़ियाल को SK इंजेक्शन भी लगाया गया, लेकिन वो जामर नहीं हो सके। पुलिस की जाने से मतवफ़ी मलिक इशफाक लंगड़ियाल की लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया, जिसे लेकर वो अपने आबाई इलाका रवाना हो चुके हैं, जबकि किसान इत्तेहाद के बाकी वर्कर्स की जाने से वाक़े को पुलिस गर्दी करार देते हुए इशफाक लंगड़ियाल की मौत को कत्ल करार दिया जा रहा है, जबकि मौत की वजह पुलिस ही जो है वो कही जा रही है। नादिर चौधरी, वो कौन सी ऐसी वजह है जिसके बिना पर किसान इत्तेहाद के कारकुनान पुलिस को अपने साथी की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और क्या रिहाई पाने वाले कारकुनान को दुरान हिरासत कोई मसला तो दरपेश नहीं हुआ? जी हाँ, इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स का भी अगर गौर जायजा लिया जाए तो एक वीडियो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें SP सदर के अहकाम की रोशनी में वाटर कैनन ऑपरेटर्स एक दूसरे को SP सदर हफीजुर रहमान की हदायत बारे आगाह करते हुए केमिकल मिले पानी से मुजाहरीन को छठी का दूध याद दिलाने का कह रहे हैं। दूसरी जानब कैंप जेल से रिहा होने वाले वर्कर्स का कहना है कि पुलिस की जाने से इनके 70 के करीब मोबाइल फोन्स जो हैं वो जब्त कर लिए गए, ताकि हमारा पीछे अपने अपने इलाकों में रबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाए और हम मजीद वर्कर्स को इकट्ठा ना कर सकें, क्योंकि जब्त किए गए मोबाइल फ़ोन्स हमारी ज़ाती मलकियत हैं, हमारी अपनी प्रॉपर्टी, हमारी अपनी खरीद करदा चीज़ है, जिसे कानूनी तौर पर पुलिस बिल्कुल भी अपने पास नहीं रख सकती है, ये हमें फौरी तौर पर वापस मिलनी चाहिए। किसान इत्तेहाद के फाइनेंस सेक्रेटरी वाड़ी मलिक इशफाक लंगड़ियाल की मौत के हवाले से जराए का कहना है कि इनकी हलाकत के बाद इनकी लाश को ना सिर्फ वर्षा के हवाले किया गया, बल्कि ज़बरदस्ती सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों की मौजूदगी में इनके आबाई इलाके को रवाना कर दिया गया है, जबकि ताकि किसान इत्तेहाद के कारकुनान या मतवफ़ी के वर्षा लाश सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा ना कर सकें। बहुत शुक्रिया नादिर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लाहौर पुलिस ने सालाना तबलीगी इज्तिमा रायविंड के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 1240 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। SP सदर ऑपरेशंस लाहौर फफीज रहमान बुकटी तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम की सुपरविजन करेंगे। इज्तिमा के दाखिले और खारजी रास्तों की सेफ सिटी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज किरण खान से। जी किरण, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रायवंड में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तम के मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी पुलिस की तरफ से, सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, इसके अलावा डॉल्फिन पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम सिक्योरिटी के जो हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। SP सदर ऑपरेशन लाहौर हफीजुर रहमान बुकटी जो हैं वो तमाम तक सिक्योरिटी इंतजाम की सुपरविजन करेंगे। इसके अलावा 4 डिविजनल अफसरान की निगरानी में 10 SDPO फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। CCPO लाहौर मोहम्मद उमर शेख का कहना था कि मजमूई तौर पर जो है 15 SHO, 13 इंस्पेक्टर और 204 अपर सबॉर्डिनेटर जो है उनको तैनात कर दिया गया है। लाहौर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 1240 एहलकार जो हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। SP डॉल्फिन राशिद हयात की जेरे निगरानी मौसर जो है वो पेट्रोलिंग की जाएगी। इतमा के चारों अतराफ और पार्किंग स्टैंड व्हीकल का भी स्टाफ जो है वो तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र रायवंड से के नज़दीक जितनी भी आबादियाँ हैं उनके उनमें सर्च ऑपरेशन करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। CCPO लाहौर का कहना है कि इज्तिमा के दाखिली और खारजी रास्तों की सेफ सिटी कैमरों की मदद से जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा शहरियों के जानों माल के तहफ्फुज़ को जो है वो हर मुमकिन तौर पर जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया किरण।
हुकूमत जाने वाली है, मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां देने वाला भी जाता नजर आ रहा है। आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान की आवाम लगाएंगे। हर वादे की तरह गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने का वादा भी झूठा निकलेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का सकर्दू में जलसे से खिताब। इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि जाली हुक्मरानों ने आटे चीनी के पैसे जेबों में डाल रखे हैं। क्या किसी को घर मिला, क्या किसी को नौकरियां मिली? वजीर आजम खुद किसी की नौकरी कर रहा है। जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके वो आवाम के लिए खड़ा नहीं हो सकता। वादा करो पार्टी छोड़ने वालों को वोट नहीं दोगे, कहा सकर्दू की आवाम की तवक्कोआत के मुताबिक इनकी आवाज़ बनकर दिखाऊंगी। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम सफदर गिलगित के आवाम को गुमराह करने पहुंची है। मुल्क को बदहाल करने वाले गिलगित के आवाम को क्या देंगे? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को बदला। जहां दो पार्टियां बारी लगाती थी वहां इंसाफ की हुकूमत कायम की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इत्तेहादी जमातों के आजाज में जोहराना। वज़ीर-ए-आज़म अहम कौमी अमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात भी सुनेंगे। अपोजिशन के रियासत मुखालिफ बयानात और पीडीएम के जलसों पर भी बात होगी। काफ लीग और बीएनपी मेंगर का वफ्द जोहराने में शरीक नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अस्तूर में मैदान से जा लिया। बिलावल कुछ देर में शुरका से खिताब करेंगे। जलसागा में लोगों की आमद का सिलसिला जारी। मशकूक ट्रांजैक्शंस से मुतल्लिक केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 24 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरमीम करने की आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। बैनुल सूबाई तालीमी वुज़रा इजलास में तमाम तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं कि पंजाब के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों के वुज़रा तालीम शरीक हुए।